निकाय की जंग को लेकर हम लगातार वार्डों में और गलियों में लगातार दौरा कर रहे हैं। वार्ड की महिलाएं वार्ड क्रमांक 47 में मौजूद है, कुछ महिलाओं से बातचीत करेंगे। अम्मा, क्या नाम है आपका? रेशमी देवी। देवी जी, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा, आप भिलाई में रहते हैं, कितने साल से रह रहे हैं? बहुत दिन हो गए, 30 साल हो जाते हैं ना। अच्छा, 30-35 साल छत्तीसगढ़ी बोलता है? ये बता कि जब आ रहे थे यहाँ भिलाई में, तो कते का कुछ सुधार है, अब कैसे है? बहुत सुधार है, अभी भी सुधार है। क्या सोच के आ रहे हो भिलाई? अरे यहाँ कमाने खाने के लिए आए हो, काजी द्वारा आए। सब बड़े बड़े चलत कमाई खाई है। कैसे लगा था भिलाई? ठीक है। चुनाव चलत थे, कौन लोग काकर पड़ ला भारी दिखा थे? हम तो पंजे वाला है, पंजे में शुरू से डाल था हम तो उसी को। काबर ते नया अच्छा सरकार, अच्छा काम धाम करते, उसको डालना चाहिए ना। तीन दिन बात करो शुरू कर दे। तो बोल काबर एकदम कांग्रेस प्रिय है? तो सब चीज अच्छा से काम करते ना। कौन करे अच्छा से काम कांग्रेस में? बहुत काम है। कौन कौन नेता करे कांग्रेस में अच्छा काम? बहुत करे है। भूषण अग्रवाल भी अच्छा काम करे है। कौन अग्रवाल बाबू? भूषण अग्रवाल पहले रहते ना, न तो भूषण अग्रवाल, वो तो कौन जाने, फिर नाम तो पता ही है। सरोज पांडे, प्रेम प्रकाश पांडे में आते कि नहीं? इधर तो नहीं देखे हैं, आवाज भी हुई नहीं पता नहीं। कांग्रेस वाले नेता मन आते? कौन आते? अभी अभी बहुत जन आते ना, आए तो आए तो रही से। भिलाई कैसे देखा तू, कतका परिवर्तन है इस भिलाई में तुम्हारा एक बात? बहुत पड़ता, पहले बहुत कम रही से, लेकिन अभी ज्यादा है। का कहे के तो सड़क भी बने है, नाली भी बने है, सब चीज बन गए है। पहले कतका कमाते हो घर में? बहुत कमावत रहे, काय कमाई रही। कम कमात हो? पहले कम रही से, अब ज्यादा कमावत है। पहले रोजी उजी कहाँ कम रही, ज्यादा रही से। कुछ और दीदी उनसे ही बात करते हैं। दीदी आप मन बताओ, क्या नाम है आप मन के? सीमा चौरसिया। दीदी आप बताओ कि अभी चुनाव चलते हैं, क्या कुछ माहौल दिखने मिलते हैं? माहौल में तो पंजा ही दिख रहा है, बाकी कुछ नहीं। पंजा में कौन है? पंजा में है अपना देवेंद्र यादव। क्या लगा था, कद का विकास करे देवेंद्र यादव? विकास तो कर ही रहे हैं, 5 साल पहले भी किए हैं और अभी भी करेंगे, इसलिए सोच रहे उन्हीं को देना है बस। बीजेपी से कौन खड़े है? बीजेपी से जो देखे नहीं भाई अभी तक, तो उनको हम नाम नहीं, नाम नहीं पता है। नाम लाल, क्या है? लाल बाबू नाम है, सोनी लाल बाबू नाम वही है, तो क्या बताएं। लाल बाबू सोनी है। हाँ, कितने साल हो गया बोल रहे हाथ भिलाई में? मेरे को 15 साल। कुछ लोग और उनसे बातचीत करेंगे, बहुत बुजुर्ग है हमारे साथ है। अम्मा, अच्छा नहीं बोलो, नहीं बोलो कहा थे। अम्मा ये बताइए, भिलाई में कितने साल हो गए आप लोग रहते हुए? 40 साल हो गए। 40 साल, क्या क्या देखे अब तक भिलाई में? बहुत कुछ सुधार देखे हैं इसमें, जैसे यानी पहले ये था नहीं, बहुत मकान सब अच्छे अच्छे बन गए हैं, लोगों ने अच्छे अच्छे काम किए, गार्डन वगैरह बन गए हैं, सुविधाएं, पहले नली वाली नहीं थी, हम जब आए तब कुछ नहीं था, यहाँ ये सब बन गया है, काफ़ी कुछ सुधार हुआ, बहुत सुधार हुआ। अभी भी क्या जरूरत है वार्ड में? अभी यही जरूरत है कि नाली बराबर साफ नहीं करते हैं, रोड बराबर बननी, उसको शिकायत नहीं करो, शिकायत करे है ना उसको, भैया जी करे हम शिकायत, तो करेंगे बोले हैं भैया जी ने, हमको हिम्मत दिया है कि करेंगे हम उसका काम। नेता लोग आते कि नहीं आते, कि सिर्फ चुनाव के समय आते? नहीं, बीच बीच में आते हैं भैया जी, हम तो खुद जाते हैं उनके घर में, हमारे तो उनका घर जैसा व्यवहार है भैया जी। वार्ड क्रमांक 47 के बात करता हूँ, तो वार्ड क्रमांक 47 में दो दिग्गज नेता है, एक आपका कांग्रेस का, कौन है भैया जी? है उपेंद्र यादव। उपेंद्र यादव। और बीजेपी से? बीजेपी से वो सुलेखा यादव है। सुलेखा यादव पहले थी, अब कौन है? अभी का वो लाल बाबू है। लाल बाबू। सुलेखा यादव तो कांग्रेस में आ गए? आ गई कांग्रेस, नहीं मालूम था, नहीं मालूम भाई। और क्या चाहते हैं भिलाई को लेकर के? भूपेश बघेल कैसा काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री है रुकना, और देवेंद्र यादव कैसा काम कर रहे हैं? वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, यानी काफी कुछ सुधारना करे है इस छत्तीसगढ़ में, इसलिए हमको अच्छा लगता है। हम भी कहीं भी जाते, सबसे साफ सफाई, यानी बहुत कुछ अच्छा हुआ है कांग्रेस के राज्य में, और भी अच्छा होगा, इसीलिए हम उसी को वोट देना चाहते हैं। और बरसों से, 50 सालों से हमारा पूरा परिवार उसी के साथ में है। कुछ और लोग उनसे भी बात करते हैं। अम्मा बताइए, आप क्या चाहते हैं भिलाई को?
भिलाई में प्रगति होना है अच्छा से, नाली जहाँ नाली ठीक से करना है, एकदम देख नाली टूटा फूटा पड़ा हुआ है कई जगह, इसको बनाना है, रोड को सीसी रोड बनाना है, ये सब चीज़ अच्छा से होना चाहिए ना, प्रगति के नाम में प्रगति ही होना चाहिए, है ना, एक अच्छा से। और क्या है, कहीं भी अपना देखो बच्चे लोग के लिए गार्डन रहना चाहिए है, और नाली टाइम से साफ होना चाहिए, ये सब चीज़ होना चाहिए। जो अच्छा काम करे अच्छा से रहे उसी को ही इंसान वोट देगा, जो अच्छा काम करेगा जो अच्छा होगा उसी को वार्डवासी वोट देंगे। हमारे साथ और दीदी, उनसे बातचीत करें, क्या नाम है दीदी आपका? संध्या दास। संध्या दीदी, ये बताइए क्या लगता है इस बार के चुनाव में किसका पलड़ा भारी है? दो प्रत्याशी है, एक लाल बाबू सिन्हा है, सोनी है, और एक भूपेंद्र यादव है, किसका ज्यादा पलड़ा दिख रहा है? इस बार तो भूपेंद्र यादव जी ही है, है? वही है, हमको तो उन्हीं से ही उम्मीद है, क्योंकि हम जब भी जाते हैं वो हमारे लिए हमेशा खड़े रहते हैं, कुछ भी काम बोलो, चाहे हम लोग यहाँ गणेश पूजा भी पंडाल करते हैं वो भी आते हैं यहाँ, हमको पूरा सपोर्ट करते हैं हर चीज़ में, इसलिए हम चाह रहे हैं कि वही आए। और क्या कुछ देखते हैं, क्या कुछ समस्या वार्ड में? अभी भी समस्या तो बहुत कुछ है, जैसे बाकी महिलाएं ने बताया आपको, वही रोड नाली वाली को लेके, लेकिन हम चाह रहे हैं कि साफ़ सफाई होना चाहिए, गंदगी बहुत है इधर, है ना, तो साफ़ सफाई भी होना चाहिए। और क्या, लाल बाबू सोनी को क्यों वोट नहीं देना चाहते? उनको तो कोई जान ही नहीं रहा है, उनका कोई आना आए भी नहीं है, ना किसी से मिलना ना किसी से कुछ बताना, तो कोई कैसे जानेगा उनको? अरे भैया जो हमारे भैया जी हैं भूपेंद्र यादव है, वो देखिए वो आते हैं मिलते हैं, हमारी समस्याएं सुनते हैं, है ना, हमारी उनसे बहुत बार मीटिंग भी हो गई है, अभी तक तो उनसे वो तो आए भी नहीं है। क्या करते हैं आप? सर कुछ नहीं, मैं तो हाउस वाइफ हूँ। कितने साल से रह रहे भिलाई में? यहाँ मेरे को हो गए 15 साल। कितना बदलते देखा भिलाई को आप 15 सालों में? हाँ बहुत कुछ बदल गया है पहले से भी, जैसे पहले यहाँ रोड यानी अच्छा नहीं था, पहले से सब ठीक हो गया है हर चीज़ में, और बच्चों का भी मतलब स्कूल वगैरह भी जैसे है सब पास में ही आ गया है यानी, और अच्छे पहले से काफ़ी बहुत कुछ अच्छा हो गया है। तो कुछ महिलाएं थी जिनसे हमने बातचीत की, और महिलाओं का ये मन है कि भिलाई में जो जब से रह रहे हैं तब से अब तक बहुत सारे विकास हुए हैं और भिलाई लगातार बदल रहा है। उनका कहना है कि इस बार वार्ड क्रमांक 47 से जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उनको मन बना लिया, क्योंकि स्थानीय प्रत्याशी है और उनको जो है वोट देने का मन यहाँ के जो वोटर है वो बना लिया। अब देखना होगा आने वाले समय क्या कुछ परिणाम देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन अक्षय कुमार के साथ अर्जुन कटिकेश वर्मा, भिलाई छत्तीसगढ़।